गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द लॉ क्लासरूम। आज हमारे आज का वेबिनार सीरीज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारे स्पीकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रफुल्ल गुप्ता जी, एडवोकेट एमपी हाई कोर्ट से हैं और उन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं और मेरे सीनियर रहे हैं, तो उनको आज उनको इन्वाइट किया गया है। तो उनका टॉपिक आज हमने टॉपिक ये डिसाइड किया था कि आर्टिकल 13 पे, तो प्रफुल्ल भैया ने सजेस्ट किया कि हम डीप एनालिसिस ऑफ आर्टिकल 13 विथ रेफरेंस टू आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सर प्रफुल्ल भैया आप स्टार्ट करें। थैंक यू उत्कर्ष। आज हमारा जो टॉपिक है आर्टिकल 13, इसके मैं स्टार्टिंग जो है इंडिपेंडेंस से करना चाहूंगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा इंडिया जो है वो 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट हो गया, पर इंडिपेंडेंस के बावजूद भी हम अभी भी इनडायरेक्टली ब्रिटिश रूल के अंदर ही थे, क्योंकि जो लॉ 15 अगस्त 1947 के बाद भी ऑपरेट हो रहा था वो जो है अभी भी ब्रिटिश लॉ ही था। तो आजादी के बाद जो हमारा सबसे पहला टास्क रहा वो था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। तो 2 साल, सब जानते हैं कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन के बाद जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन पास कर दिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन पास होने के बाद इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें थी, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स भी थे, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स ही जो थे कहीं ना कहीं एक मोटिवेटिंग फैक्टर थे जिसके लिए हमने स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस करी। तो जो चीज हमें अभी तक नहीं मिली थी ब्रिटिश रूल के अंदर, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सबसे पहला ऑब्जेक्ट यही था कि जो राइट्स अभी तक इंडियन सिटीजन्स को डिनाई किए गए हैं वो उन्हें मिले। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सारे देशों के जितने पॉसिबल हो सके कॉन्स्टिट्यूशंस को देखा, पढ़ा, वहां के राइट्स देखे, और इसके साथ 1948 में इंटरनेशनल लेवल पर सबसे पहली बार यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 पे आया, जिसने ह्यूमन राइट्स को यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म पे सबसे पहली बार बताया। तो उन सब से इंस्पायर होते हुए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को इनकॉर्पोरेट किया, जो कि हमारे यहाँ पार्ट 3 में दिए गए। पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक दिया गया है। अब फंडामेंटल राइट्स तो हमें मिल गए, पर यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ पर 2 रीजंस थे। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद ही स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे पहला आर्टिकल अगर आप देखेंगे तो उसमें आर्टिकल 372 जो वैलिडेशन क्लॉज है वहां से हमें मिलेगा। यदि हम आर्टिकल 372 को देखें तो वहां पर लिखा हुआ है ऑल से अगर आप देखें तो वहां पे लिखा होगा ऑल लॉ इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशन से पहले जितने लॉज जो कि ब्रिटिशर्स ने ही बनाए थे वो जो रहेंगे वो इन फोर्स, देखिए लिखा होगा शैल कंटिन्यू इन फोर्स, तो पुराने कानून अभी भी फोर्स में ही थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमने अभी इतनी मेहनत करके जो फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट किए, पर 372 ने वो लॉज को फिर से कहीं ना कहीं जो पुराने लॉज थे जो इन फंडामेंटल राइट्स को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहे थे उनको फिर से वैलिडेट कर दिया। तो ये पुराने लॉज अभी भी थे जिनको हमें टारगेट करना था या इसका कोई रेमेडी ढूंढनी थी। और इसके साथ एक प्रॉब्लम और थी कि अब आगे भी जो कानून बनेंगे तो वो कानून भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट ना करे, तो उसके लिए भी प्रॉपर रेमेडी प्राप्त करें। तो इन दोनों ही प्रॉब्लम्स को हमारा जो आज का टॉपिक है आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 इसको सॉल्व करता है। जो हमारी पहली प्रॉब्लम थी कि जो पुराने लॉज आ गए थे, जो पुराने लॉज थे जो कि अभी भी एक थ्रेट थे इन न्यू फंडामेंटल राइट्स के लिए, तो उनकी रेमेडी आर्टिकल 13 क्लॉज 1 देता है, और आगे के कानून के लिए आर्टिकल 13 क्लॉज 2 उसके लिए रेमेडी प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले हम जो है पहली थ्रेट को
जो कि पहले के लॉज थे उसको किस प्रकार से डील किया गया उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आर्टिकल 13 का जो बिगनिंग क्लॉज है, आर्टिकल 13 कहता है क्लॉज 1 कि ऑल लॉज इन फोर्स। तो यहाँ पर देखिए जो बेसिक डिफरेंस क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में है, क्लॉज 1 में लिखा है लॉज इन फोर्स, जबकि क्लॉज 2 में लॉज लिखा हुआ। तो जो लॉ इन फोर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन से इनेक्टमेंट से पहले के जो लॉज थे उनको डील करता है, जबकि क्लॉज 2 में जो लॉ टर्म यूज किया गया है वो आगे बने वाले लॉज जो आगे बनेंगे 26 जनवरी 1950 के बाद से जो लॉ बनेंगे उनके लिए किया गया। यहाँ पर लॉ इन फोर्स को डिफाइन भी किया गया है। यदि आप इसका क्लॉज 3 देखें तो क्लॉज 3B में लॉ इन फोर्स को एक्सप्लेन भी किया गया। तो यहाँ पर देखिए लिखा होगा आर्टिकल 13 क्लॉज 3B में कि लॉ इन फोर्स इंक्लूड लॉज पास्ड बाय और मेड बाय अ लेजिस्लेचर और अदर कंपीटेंट अथॉरिटी इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब जो बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इस कॉन्स्टिट्यूशन से पहले जो लेजिस्लेचर हुआ करती थी या जो कंपीटेंट अथॉरिटी थी जिनको लॉ बनाने की शक्ति थी, तो वो सारे लॉज जो हैं उन्होंने जो लॉज बनाए वो लॉ इनफोर्स कहलाएंगे, और जो कि यहाँ पर प्रीवियसली रिपील नहीं किए गए हैं या फिर जो कि प्रीवियसली रिपील नहीं हुए हैं, अब भले ही वो या तो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल हो या उसके कुछ पार्ट में एप्लीकेबल हो ऑपरेशन में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये सारे लॉज इन फोर्स कहलाए। तो लॉ इन फोर्स जो है तो इस तरीके से उन्होंने उसको कवर, अब इसको रेमेडी कैसे प्रोवाइड की, तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि ऑल लॉ इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमिडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो बस इसके बाद से हमें हमारी रेमेडी मिल गई जो कि क्लॉज 1 बोलता है कि सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, जितना ये पार्ट मतलब जो पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स का जो पार्ट है जो कि आर्टिकल 12 से लेके 35 तक दिया गया है, तो वो उतने एक्सटेंट तक देखे लिखा होगा शैल टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी बी वॉइड। तो जहां तक वो फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन करेंगे वहां तक की मात्रा तक जो है वो एक्ट वॉइड हो जाएगा यानी शून्य हो जाएगा। तो बेसिकली जो क्लॉज 1 है वहां से हमारा जो है ये वर्क करता है डॉक्ट्राइन पे, एक प्रिंसिपल पे जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी कहा जाता है, पृथक्करण का सिद्धांत। तो यहाँ पर हमें पहली डॉक्ट्राइन आर्टिकल 13 में मिलती है, दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। अब ये डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी है क्या, तो जैसे कि इसकी हिंट आपको क्लॉज 1 से ही मिल जाती है कि जितना मात्रा तक कोई भी लॉ इनकंसिस्टेंट होगा फंडामेंटल राइट से उतनी मात्रा तक वॉइड हो जाए। दैट मींस कि जो आपका लॉ है उसमें से वो पूरे के पूरे लॉ को वॉइड नहीं करता है। सपोज अगर किसी कानून में 20 सेक्शंस हैं और उसमें से 3 या 4 जो सेक्शंस हैं वो जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ तो पता चला कि वो जो है पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से 4 सेक्शंस जो हैं वो इनकंसिस्टेंट जा रहे हैं, तो वो पूरे एक्ट को वॉइड करने के बजाय वो उन 4 सेक्शन को सेपरेट करके मतलब उतना एक्ट उसको काट दिया और वो वॉइड हो जाएगा और बाकी एक्ट जो है वो वैलिड हो जाएगा। तो इससे हमें प्राइमा फेसी ये लगता है कि जो ये बड़ी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। एक्चुअली यहाँ पर जो है इसमें एक केस भी है, इसमें अगर आप एक लीडिंग केस देखेंगे तो स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा, इसमें एक लीडिंग केस होता है डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी में, जिसमें डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी का ही प्रिंसिपल लगाते हुए जो है इस थ्रेट को जो फंडामेंटल राइट में था उसको डील किया गया था, जिसमें जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का सेक्शन 14 था उसको जो है क्योंकि वो इट इज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट तो उसको जो है अल्ट्रा वायस बोलते हुए इसको वॉइड कर दिया था, जबकि बाकी एक्ट जो है वो वैलिड हुआ। तो ये एक प्राइमा फेसी टूल होता है इस थ्रेट को डील करने का जो कि फंडामेंटल राइट्स पे आ रहा था, पर इसके बावजूद भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। प्रॉब्लम सॉल्व ना होना दो कारण हो सकता, पहली चीज कि तब क्या हो कि यदि जो हम सेक्शन एलिमिनेट कर रहे हैं या जिसको हम सेपरेट कर रहे हैं यदि वही कोर हो, मतलब उस एक्ट की या उस लॉ की आत्मा हो,
तो अगर आप शरीर से उसकी आत्मा निकाल लेंगे तो क्या उसका कोई मतलब रहेगा? नहीं। तो यहां पर यही चीज आगे एक केस में कही भी गई कि यहां पर जो है, अगर मान लीजिए शरीर से आप उसकी आत्मा निकाल लेंगे, यदि कोर प्रोविजन अलग कर देंगे, तो यहां पर वो फिर ऑटोमेटिकली, इसका सिर्फ एक एक्सेप्शन था जो कि ये एक्सेप्शन के रूप में ही होता है, कि ये कंडीशन में अब पूरा का पूरा जो लॉ वो वॉइड हो जाएगा। तो यहां पर अगर ये एक सिचुएशन अराइज हो गई कि यदि हमने सेपरेट किया और कोर प्रोविजन ही सेपरेट हो गया और बाकी लॉ नहीं बच पा रहा है, जबकि वो लॉ बचाना भी एट द सेम टाइम जरूरी है, तो फिर क्या किया जाए? तो यहां से एक नई प्रॉब्लम अराइज हो, एक सोल्यूशन मिला, तो हमें एट द सेम टाइम दूसरा प्रॉब्लम से फेस करना पड़ गया कि यदि हम मानते हैं कि वो एक्ट जो है वो, या लॉ जो है वो फंडामेंटल राइट को वायलेट तो कर रहा है, बट इन द पब्लिक इंटरेस्ट या किसी भी एक इंटरेस्ट में उसको बचाना भी जरूरी है, उसको एप्लीकेबल भी करना जरूरी है, या फिर उसके कोर प्रोविजंस अगर हट जाएंगे तो उनको रेलिवेंट रखना जरूरी है। तो यहाँ पर जहाँ डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी फेल हो रही थी, तो इसके लिए एक नया तरीका निकाला गया जो कि था सेकेंड डॉक्ट्राइन के रूप में, जिसको हम जानते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, ग्रहण आच्छादन का सिद्धांत। एक्लिप्स को वैसे तो ग्रहण कहा जाता है, बट लीगल लैंग्वेज में आच्छादन का सिद्धांत। ग्रहण आप सब जानते हैं, जैसे कि आपने सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण दोनों के बारे में सुना हो। अब जब आप उसको सुना, देखा भी होगा, तो जब थोड़े समय के लिए वो छुप जाता है, तो क्या अगर मान लीजिए चंद्र ग्रहण है या सूर्य ग्रहण है, अगर वो लगा तो क्या आप चांद जो है वो गायब हो गया, या सूरज जो है वो चला गया? क्या वो वही रहता है? वो अपनी जगह वही रहता है, बस उतने फॉर द मोमेंट जब तक एक्लिप्स का पीरियड है तब तक वो वहां पर छुपा हुआ रहता है, पर उसका अस्तित्व रहता है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी का एक ऊपर स्टेज जो है, जो ऐसे लॉज जो कि इनकंसिस्टेंट तो है फंडामेंटल राइट से, बट एट द सेम टाइम जरूरी भी है, इंपॉर्टेंट भी है, तो उनके लिए फिर डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी के बजाय डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स का सिद्धांत जो है वो अपनाया जाता है। यहां पर जो एक्लिप्स क्यों वर्ड यूज किया गया है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, फंडामेंटल राइट जो है वो एक डोमिनेटिंग फैक्टर रहता है जो कि उतने समय तक के उस लॉ को ढांक देता है, जैसे कि ग्रहण में होता है कि जहां पर बड़ा सरफेस जो है छोटे सरफेस को उतने समय तक के लिए ढांक देता है, ऐसी फंडामेंटल राइट जो है वो यहाँ पर उस लॉ को थोड़े समय के लिए ढांक देते। अब मेरे ढांक देने का मतलब ये है कि ये इसको, उस लॉ को नल एंड वॉइड नहीं करता, ये बस उतने समय तक के लिए उसको डोरमेंट कर देता है या डेड कर देता है, सिर्फ उतने समय तक के लिए जब तक एक्लिप्स रहता है, और जैसे ही एक्लिप्स चला जाता है तो अगेन एनफोर्सेबल हो जाता है। तो यहां पर जो है, यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट चीज निकल करके आती है कि यहाँ पर उतने समय तक के लिए आपका जो है वो एक्ट, वो लॉ, वो प्रोविजन बुक्स में रहेगा, हर जगह रहेगा, पर वो अनइंफोर्सिएबल हो जाएगा, बस वो प्रवर्तन में नहीं रहेगा। अब इस चीज को प्रैक्टिकलिटी में समझते हैं। अभी हमने ऊपर ऊपर देखा, अब इसको प्रैक्टिकलिटी में इम्पोज कैसे किया जाता है, तो उसके लिए अगर आप देखें तो यहाँ पर इस डॉक्ट्राइन को सबसे पहले जो है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस एफएन बलसा, नहीं, यहाँ पर जो है इस वाले केस में डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट केस था जहां ये इनकॉर्पोरेट हुआ था, वो था बिखाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो बिखाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में ही इस डॉक्ट्राइन को फॉर्मुलेट किया गया था। अब ये कैसे फॉर्मुलेट किया गया, तो यहाँ पर बिखाजी वाला केस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्लिप्स में ये लीडिंग केस है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जड़ थी फंडामेंटल राइट। हम किसी लॉ को क्यों छेड़छाड़ कर रहे थे, उसके साथ हम क्यों टारगेट कर रहे थे उसको, क्योंकि वो हमारे फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा था। तो क्यों ना फंडामेंटल राइट में ही कुछ कर दिया जाए, ताकि हमारा जो लॉ है जो इम्पोर्टेंट भी है, तो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं वो भी चालू हो जाए, इफेक्टिव हो जाए। दैट मीन्स सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अब ये कैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस बिखाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में यही हुआ। क्या हुआ कि आर्टिकल 19
वंश जी जो है, जो फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन की हमें अधिकार देता है, तो यहाँ पर फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन के लिए ही कहा गया कि यहाँ पर जो है सीपी एक एक्ट है, अगर आप उस एक्ट को लिखना चाहें तो देख लें, सीपी बेयरर मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 1947। तो यहाँ पर इस एक्ट को जो है ये इस प्रोफेशन को, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन के राइट को छीन रहा था, ठीक है। यहाँ पर उसने इस फ्रीडम, एक जो मोटर व्हीकल वाला पोर्शन रहता है उसमें स्टेट की मोनोपोली को, कि सिर्फ स्टेट ही इस चीज को कवर करेगी, उसको ऑथराइज करता था। तो जो सिटीजन के रूप में उन्होंने बोला कि क्योंकि मेरे पास फंडामेंटल राइट है प्रोफेशन का, तो स्टेट कैसे मेरे से ये अधिकार छीन सकती। तो यहाँ पर जो है फंडामेंटल राइट का तो वायलेशन हो रहा है इस एक्ट से, क्योंकि स्टेट मोनोपोली करके उस सिटीजन से उस राइट को छीन रही थी। तो यहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स को, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट में भी जरूरी था, तो यहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स को फॉर्मुलेट करते हुए आर्टिकल 19(6) में, क्लॉज 6 में अमेंडमेंट किया गया, जो कि पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, और यहाँ पर इस चीज को वैलिड कर दिया। तो यहाँ पर जैसे ही स्टेट मोनोपोली वैलिड हुई, तो यहाँ पर जब तक आर्टिकल 19(1)(6) में अमेंडमेंट नहीं हुआ था, तब तक ये अमेंडमेंट एक्ट जो था वो एक्लिप्स में था, मतलब था पर ऑपरेशन में नहीं था। और जैसे ही फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ क्लॉज 6 के अंदर, जहां पे आप पढ़ेंगे तो आपको आर्टिकल 19 क्लॉज 6 में देखिए नथिंग से आपको मिलेगा, नथिंग इन द सेड सब क्लॉज शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ इन सो फार एज इट रिलेट्स और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ देयर। तो ये पूरा जो एक्ट वो है, इसमें क्लॉज 2 देखिएगा तो देखिए उसमें लिखा होगा कैरिंग ऑन बाय द स्टेट और बाय अ कॉर्पोरेशन ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। तो यहां पर जो इसका क्लॉज 2 था उससे इस चीज को, तो जैसे ही एक्लिप्स हटा, तो यहां पर अभी तक अगर मैं आपको फिर से रेलिवेंसी में लेके जाऊं, तो अभी तक क्या हो रहा था कि जब तक 19(1)(g) था तब तक ये अमेंडमेंट एक्ट एक्लिप्स में चला गया, उतने समय तक यहाँ पर जो है वो अनएनफोर्सिएबल, वो नल एंड वॉइड ना हो करके अनएनफोर्सिएबल हो गया। और जैसे ही पार्लियामेंट लेजिस्लेचर ने इसमें अमेंडमेंट कर करके ये प्रोविजन जोड़ा, तो एक्लिप्स हटा, ग्रहण खत्म हुआ और ये फिर से एनफोर्सिएबल हो गया। तो हमें जो दूसरी रेमेडी मिली वो यहीं से मिली डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स में, कि जहां पर हम उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर ना करते हुए उतने समय तक उसको अनएनफोर्सिएबल कर देते हैं। और जैसे ही वो फोर्स में, जैसे ही अगर मान लीजिए जो फंडामेंटल राइट जिसको वो वायलेट कर रहा है वो जैसे ही उसमें आप अमेंडमेंट कर दे, लेजिस्लेचर यहाँ पर एक्लिप्स को अमेंडमेंट के रूप में यूज करती है और अमेंडमेंट करके उस फंडामेंटल राइट के प्रोविजन में उसको एक्टिवेट अगर उसमें अमेंडमेंट कर देती है, तो एक्लिप्स हट जाता है और वो प्रोविजन फिर से शुरू हो जाता। अब एक क्वेश्चन और अराइज होता है यहाँ पर कि क्या डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स को सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेचर ही यूज कर सकती है? तो ये भी ऐसा नहीं है। लेजिस्लेचर फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट करके किसी ऐसे लॉ को जो कि फंडामेंटल राइट को अभी तक वायलेट कर रहा था, वो उससे कंसिस्टेंट ऐसा अमेंडमेंट करके जो कि उस एक्ट को उससे कंसिस्टेंट कर देता है, उसको इसका एक्लिप्स हटा करके यहाँ पर उसको फिर से एनफोर्स कर सकती है। पर सिर्फ लेजिस्लेचर तो कर ही सकती है, इसके साथ जुडिशरी भी इसका यूज करती है। जुडिशरी जो है बस डिफरेंस हो जाता है कि लेजिस्लेचर जैसे अमेंडमेंट कर करके, लेजिस्लेचर जैसे उस फंडामेंटल राइट के प्रोविजन में अमेंडमेंट कर करके जो है इस एक्लिप्स के सिद्धांत को इफेक्ट देती है, ऐसी जुडिशरी केस लॉज के थ्रू देती है। अब यदि मैं इसमें केस लॉ की बात करूं तो आप इसमें देखेंगे, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल यदि मैं समझाने के लिए कहूं तो यहां पर इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल निकल करके आता है सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी। अगर आप आईपीसी का सेक्शन 309 देखेंगे तो वो अटेम्प्ट टू सुसाइड के बारे में पनिशमेंट देता है। अब आप सोचें कि अटेम्प्ट टू सुसाइड जो है उसका एक्लिप्स से क्या लेना देना है? तो इसका ऐसे लेना देना है कि जनरली अगर आप आर्टिकल 21
आर्टिकल 21 पे फोकस करेंगे तो एक क्वेश्चन उठता है कि क्या राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ दिया गया है, तो क्या राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू डेथ भी आता है? तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया कि वेदर राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डेथ, तो यहां पर जो है सबसे पहला ये क्वेश्चन जब उठाया पी रथीनाम के केस में उठाया, पी रथीनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस जो है 1994 का केस, पी रथीनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, यहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1994 में कि राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू डेथ भी आता है, राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू डेथ भी आता है। अब क्योंकि राइट टू डेथ भी आता है ये तो उन्होंने केस लॉ में बोल दिया, एक जुडिशियल प्रेसिडेंट बना दिया, पर इसका इफेक्ट अब आर्टिकल सेक्शन 309 में होगा, क्योंकि यदि राइट टू डेथ भी अगर राइट टू लाइफ के अंदर आता है तो वो भी एक फंडामेंटल राइट हो गया, क्योंकि हम उसको आर्टिकल 21 के अंदर पढ़ रहे हैं, तो फिर आपका सुसाइड करना वैलिड हो गया, तो देन आर्टिकल 309 अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया उतने समय तक के लिए, ठीक है। तो अब यहां पर उतने समय अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने कारण अनइनफोर्सेबल हो गया, फिर इतने समय तक जब तक ये केस चल रहा था, अब फिर से ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया गया 2 साल बाद, इस केस में ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जो केस था वो 1996 में फिर से आया सुप्रीम कोर्ट के सामने, और इसमें भी सेम क्वेश्चन उठाया गया कि क्या राइट टू लाइफ राइट टू डेथ इंक्लूड करता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन को रिवर्स कर दिया और बोला कि राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डेथ, राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू डेथ नहीं आता है। अब राइट टू लाइफ राइट टू डेथ के अंदर नहीं आता है तो फिर से अब इसका इफेक्ट जो है 309 पे पड़ गया, क्योंकि अब जो है ये जब तक देखे अभी तक 309 क्योंकि राइट टू लाइफ राइट टू डेथ के अंदर आ रहा था तो वो क्या कहते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल चल रहा था, अनइनफोर्सेबल चल रहा था, पर जैसे ही इसने उसको वॉयलेशन करना बंद किया, जैसे ही एक नया प्रेसिडेंट आया 1996 में, तो एक्लिप्स हटा और ये ऑटोमेटिकली फिर से रिवाइव हो गया और एनफोर्समेंट में आ गया। और आसान शब्दों में कहूं तो 1994 से लेकर के 1996 के जजमेंट के बीच तक 2 साल धारा 309 जो है वो एक्लिप्स में चली, और फिर जैसे ही एक्लिप्स हटा, जैसे ही ग्रहण खत्म हुआ, 309 फिर से रिवाइव हो गई। तो ये आपको जो है एक चीज ऐसे जुडिशरी भी केसेस के थ्रू एक्लिप्स के सिद्धांत को कहीं ना कहीं इफेक्ट दे देती है, बट बेसिकली एक्लिप्स की शक्ति जो मेन यूज होती है वो पार्लियामेंट लेजिस्लेचर के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट को अमेंड करते हुए कि जो एक्ट जिसको हमें सिक्योर करना है, जो इम्पोर्टेंट एक्ट है जिसको हमें सिक्योर करना है, आप उसका जो जिस जितने पार्ट को जिस फंडामेंटल राइट के प्रोविजन के जिस पार्ट को वायोलेट कर रहा है उसमें ऐसा अमेंडमेंट कर दे ताकि वो उससे कंसिस्टेंट हो जाए। तो जैसे ही वो कंसिस्टेंट हो जाता है एक्लिप्स हट जाता है और वो एनफोर्सेबल हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर लेजिस्लेचर को देखते हुए या जुडिशरी को देखते हुए आप ये कह सकते हैं। ऐसे ही अगर जुडिशरी में आपको मैं एक और एग्जांपल दूं तो आप आईपीसी का सेक्शन 303 देखे होंगे, वो जो है अटेम्प्ट टू मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट के लिए पनिशमेंट देता है। अभी ये आपको बेरेक्स में मिलेगा, ठीक है, क्यों, पर यहां पर वो अनइनफोर्सेबल है क्योंकि 303 के साथ मिट्टू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है जहां पर कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया था, अनइनफोर्सेबल कर दिया। पर जब आप आईपीसी के बेरेक्स देखेंगे ऑफिशियल तो वहां 303 लिखा होगा, ठीक है। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि अभी ये एक्लिप्स मोड में है, इन फ्यूचर अगर कोई केस आता है और वो यहां पर उसको वैलिड कर देता है तो उसका एक्लिप्स हट जाएगा और 303 भी फिर से वैलिड हो सकता है, ठीक है। जैसे अभी मिट्टू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में क्योंकि वो राइट टू इक्वालिटी का वॉयलेशन कर रहा था तो उसको आर्टिकल 14 से इनकंसिस्टेंट है, इसीलिए अभी एक्लिप्स बना हुआ है 303 पर, वो होके भी अनइनफोर्सेबल है। और अगर आगे किसी केस लॉ में
उसको फिर से अगर मान लीजिए जजमेंट उसके कंसिस्टेंट का आ जाता है तो एक्लिप्स हट जाएगा और 300 भी आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो है ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती। तो ऐसे करके हमने जो पुराने लॉस थे जो अभी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के पास होने से पहले थे और हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी सिक्योर करना था, तो हमने इस तरीके से डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी को देखते हुए, अगर एक्ट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो सेपरेट कर करके आप जो है अगर उसके सोल को, उसके आत्मा को इफेक्ट नहीं कर रहा है, उसके कोर को इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो सेवरेबिलिटी लगा करके आप फंडामेंटल राइट के थ्रेट को खत्म कर सकते हैं। पर यदि वो उस एक्ट को खत्म कर दे रहा है, उसका सोल छीन करके, या फिर वो भले ही फंडामेंटल राइट वॉयलेट कर रहा है पर इसके बावजूद भी आपको जो है क्या कहते हैं वो एक्ट एट द सेम टाइम इन द इंटरेस्ट, इन द पब्लिक इंटरेस्ट वो जरूरी है, तो फिर आप उसमें एक्लिप्स मोड की थोड़े समय तक के लिए, जब तक वो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है, आप उसको रखें। और जैसे ही आपको उसका इमीडिएट एग्जीक्यूशन चाहिए तो लेजिस्लेचर या तो उसमें अमेंडमेंट करके या जुडिशरी उसमें केस लॉ दे करके उसको फिर से जिंदा कर सकता है, उसके एक्लिप्स को हटा सकता है। अच्छा, यहाँ पर ये दो डॉक्ट्राइन्स को हमने पढ़ लिया, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी एंड डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। पर इसके बाद एक और तरीका निकाला गया इस चीज से बचने का और फंडामेंटल राइट्स के लिए थ्रेट बनाने का, तो वो तीसरी थी, दैट इज वेवर ऑफ फंडामेंटल राइट, कि क्या कोई सिटीजन या नॉन सिटीजन एज पर द फंडामेंटल राइट क्या वो अपने उस अधिकार को वेव कर सकता है, त्याग दे कि भाई मुझे मेरा ये फंडामेंटल राइट नहीं चाहिए। अगर वो बोले कि भाई, अगर मतलब कोई व्यक्ति ये बोले कि मुझे मेरा ये फंडामेंटल राइट नहीं चाहिए, और जब उसको फंडामेंटल राइट नहीं चाहिए तो फिर काहे की इनकंसिस्टेंसी, उस पर हम ये लॉ को इन्फोर्स करवा देते हैं, तो क्या वेवर जो है वो एज अ टूल यूज किया जा सकता है आर्टिकल 13 को डिफ्रॉड करने के लिए। तो यहां पर जो है कोर्ट ने इस चीज को क्योंकि अलाउ कर दिया गया, तो अभी तक की हमारी जितनी मेहनत थी वो सब बर्बाद ना हो जाए। तो यहाँ पर एक और लीडिंग केस है डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर में, दैट इज बहराम खुर्शीद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस। बहराम खुर्शीद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में ये बोल दिया गया कि कोई भी सिटीजन या नॉन सिटीजन जो भी हो, वो अपने फंडामेंटल राइट्स को वेव नहीं कर सकता है, चाहे भी तो नहीं कर सकता है कि भाई मेरा राइट है मैं वेव करूं, ऐसा नहीं बोल सकते हो आप, फंडामेंटल राइट्स को आप वेव नहीं कर सकते हो, देयर इज नो वेवर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, या वेवर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज नॉट पॉसिबल। तो यहां पर आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में हमने तीन इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन्स देखी जो कि इसको इफेक्ट देने के लिए जरूरी थी। तो 13 के अंदर तीन मेन डॉक्ट्राइन्स हम देखते हैं। सबसे पहले है डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, जिसमें हमने लीडिंग केस देखा स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा का। फिर उसके बाद डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, जिसमें हमने लीडिंग केस देखा भीखाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का। और फाइनली हमने डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर देखा, जिसमें हमारा जो है बहराम खुर्शीद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस जो है ये एक लीडिंग निकल करके आया। अब यहां पर जो है इन तीन डॉक्ट्राइन से हमारा जो पहला प्रॉब्लम था, जो वैलिडेटिंग क्लॉज ने आर्टिकल 372 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने पैदा कर दिया था, उससे तो हम सॉल्व कर लिया उस प्रॉब्लम को आर्टिकल 13 ने इस तरीके से। पर एक पार्ट तो हुआ, पर अब आगे की लेजिस्लेचर के लिए भी एक रेड सिग्नल लगाना जरूरी था कि अभी तक हमने पुराना तो ठीक कर दिया है, आप आगे कोई ऐसा नया काम ना कर दें जो कि फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर, क्योंकि लॉ बनाने की शक्ति किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, लेजिस्लेचर्स के पास है। तो यहां पर आप आगे कोई ऐसा कानून ना बना दे जो कि फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करे। तो यहां पर इसके लिए आया अब क्लॉज 2। तो जो सेकंड प्रॉब्लम जो हमारी अराइज हुई थी, तो उसको डील करता है हमारा आर्टिकल 13 का क्लॉज 2। तो चलिए अब क्लॉज 2 में देखते हैं। यहां पर लिखा है द स्टेट, और जो स्टेट की डेफिनेशन है तो वो आर्टिकल 12 से ली जाएगी, इसके जस्ट ऊपर जो आर्टिकल है, इसीलिए पहले स्टेट वर्ड में। तो यहाँ पर स्टेट जो है यदि आप देखेंगे तो उसमें उन्होंने 6 प्रकार की बॉडीज को कवर किया, दैट मींस पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद
स्टेट गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर्स ऑफ द स्टेट, फिर लोकल अथॉरिटीज एंड द अदर अथॉरिटीज। ये जितने भी छह ऑर्गन्स हैं, स्टेट वर्ड बोलते हुए क्योंकि वो 12 में डिफाइंड है, इन छह अथॉरिटीज पर एक रेड मार्क, एक रेड सिग्नल लगा दिया कि ऑल द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ। मतलब ये छह जो अथॉरिटीज हैं, इसमें बेसिकली लॉ बनाने की जो अथॉरिटी है मेन, जो आपका है जो लॉ बनाने की है, वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के पास। यदि गवर्नमेंट कोई बाय लॉ यूज करती है तो उनके लिए, और या फिर लोकल अथॉरिटीज और जो उनको लोकल लेजिस्लेशन प्रोवाइड करवाई जाती है डेलीगेटेड लेजिस्लेचर के अंदर, यदि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के अंदर, तो इन सबको कवर करते हुए बोला कि आप कोई भी लॉ जो है आप ऐसा नहीं बनाएंगे जो कि एक अवे या तो सीधे सीधे आपसे फंडामेंटल राइट छीनता हो या फिर एवरेज करता हो द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। मतलब फिर से कि अब आप आगे भी ऐसा कोई कानून नहीं बनाएंगे जो कि इस लॉ को, जो कि फंडामेंटल राइट्स को एब्रेज करता हो या टेक अवे करता हो, एंड एनी लॉ। और यदि आप कोशिश भी करते हो तो आगे देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस चीज को क्लियर किया कि यदि आप ऐसा कुछ करते भी हैं, एंड एनी लॉ मेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस क्लॉज शेल टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्ट्रावेंशन, फिर से जितनी मात्रा तक, पूरे लॉ को नहीं, जितनी मात्रा, शेल टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्ट्रावेंशन वॉइड मानी जाए। तो यहां पर जो है इस चीज से आप इसको समझ सकते हैं कि आगे हमने इन छह अथॉरिटीज को जो है उन पर एक सिग्नल लगा दिया, एक रेड मार्क लगा दिया कि भाई अब आप आगे ऐसा कोई लॉ पहले तो बनाओगे ही नहीं, और यदि आप बनाते हो तो जितनी मात्रा तक बनाओगे वो वॉइड हो जाए। और फॉर द रिमूवल ऑफ द डाउट्स, उन्होंने लॉ में हर चीज को एक्सप्लेन भी कर दिया। तो जो लॉ वर्ड यूज किया गया है उसको 13B में भी समझाया गया। यदि आप देखेंगे तो 13B लॉ वर्ड को डिफाइन करता है, तो ये वही लॉ है। और कहा गया है कि अब यहाँ पर देखिए लिखा होगा लॉ में क्या क्या आता है, 13A में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा होगा लॉ इंक्लूड ऑर्डिनेंस जो कि प्रेसिडेंट या गवर्नर के द्वारा पास किया जाता है, ऑर्डर्स, बाय लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, इवन कस्टम्स को भी देखे यहाँ पर यूज किया गया है कि कोई कस्टम या यूसेज भी जो पहले से चलता हुआ आ रहा होगा जो कि हैविंग, जो कि फोर्स कैरी करता है ऑफ लॉ इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये सब लॉज हैं, और यदि ये जो है क्या कहते हैं फंडामेंटल राइट से वॉयलेट जाएंगे तो पहली चीज तो आप बनाएंगे नहीं, और यदि ये वॉयलेट जाएंगे तो फिर यहाँ पर टू द अमाउंट ऑफ द इनकंसिस्टेंसी वो वॉयलेट। ठीक है, अब ये चीज हमने दे तो दिया, हमने ये राइट प्रोवाइड तो कर दिया कि भाई हमने एक रेड सिग्नल दे दिया कि आप ऐसा नहीं करेंगे। ये बिल्कुल वैसी ही बात हो जाती है कि जैसे आप जो है ट्रैफिक लाइट में खड़े हुए हैं, और ट्रैफिक लाइट में यदि आप पालन कर रहे हैं तो ठीक है, और यदि आप रेड लाइट को क्रॉस करके निकल गए तो क्या? तो जैसे वहां पर हमारे पास पहले पुलिस खड़ी रहती थी तो वहां तुरंत चालान काट लेती थी, अब ई चालान का सिस्टम आ जाता है, ऐसे यहाँ पर इसको जो है आप कोर्ट से समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो कोर्ट्स हैं उसको पावर मिलती है जुडिशियल रिव्यू। तो इस चीज को जैसे वहां पर पुलिस वाले ई चालान या चालान से सुनिश्चित करते हैं, हमारी कोर्ट्स इस चीज को जुडिशियल रिव्यू से सुनिश्चित करती है या उसको इफेक्ट में लाती है। अब ये कैसे इफेक्ट में आती है? तो जुडिशियल रिव्यू जो सबसे पहला टर्म था या इस चीज का जो फाउंड है उसका, जो इसके फाउंडर थे वो थे जस्टिस मार्शल। जस्टिस मार्शल ने इसका जो है इजाद किया था इन द केस ऑफ मार्वे वर्सेस मेडिसन। मार्वे वर्सेस मेडिसन के केस में जस्टिस मार्शल ने यूएस में, तो उन्होंने इसको 1803 में इसको प्रपाउंड किया था। और अगर आप पूछा जाए कि जहां पर उसका जल 13 में किया गया है, अब ये जुडिशियल रिव्यू है क्या? तो जुडिशियल रिव्यू मतलब यदि आप कानून बनाते हैं तो कानून बनाने तक जो है, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए सेपरेशन, अगर आप आर्टिकल 50 पे ध्यान देंगे तो आर्टिकल 50 जो है वो बोलता है कि सेपरेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी। हम पूरी कोशिश करेंगे
कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में जो है सेपरेशन। तो इसको कैसे अगर अपन देखें उसको एंटरटेन किया जाता है, तो यहाँ पर ना आप हमारे काम में दखल देंगे ना वो आपके काम में देखेंगे। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक मिलेगा आर्टिकल 122, इसको भी आप समझिए। आर्टिकल 122 की हेडिंग जो है वो साफ कहती है, कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट। तो यहाँ पर क्या होता है, कानून बनाने तक तो जब तक आप लेजिस्लेचर को कुछ नहीं बोल सकते, कोर्ट्स किसी लेजिस्लेचर को ये नहीं बोल सकती कि शुरुआत में, जैसे अगर कोर्ट को पता चल भी जाए कि भाई आप कुछ ऐसा करने वाले हो जो कि इनकंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन, इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट है, तो आप उस समय क्यों नहीं रोक सकते हो, तो आप नहीं रोक सकते, क्योंकि हमारे यहाँ आर्टिकल 50 के वर्च्यू से यहाँ पर आर्टिकल 122 कहता है आपको पता भी चल जाए तो भी आप पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते, आपको वेट करना पड़ेगा जब तक वो उसको पास नहीं कर देते। तो कई यहाँ पे क्वेश्चन उठता था कि कोर्ट्स को जब पहले से पता चल जाता है तो क्यों वो पार्लियामेंट्स या लेजिस्लेचर्स को नहीं रोकती है, जो इतना पब्लिक मनी वहां पे वो वेस्ट करते हैं, और लास्ट में यदि आपको जाकर के वॉइड ही डिक्लेयर करना है तो आप क्यों नहीं रोकते हैं, तो क्योंकि जुडिशरी बाउंड आर्टिकल 50 और आर्टिकल 122 के कारण उनको वेट करना पड़ता है कि जब तक वो पास नहीं हो जाता तब तक देखे, और फिर जब वो एक बार पास हो जाता है तो फिर कोर्ट जो है उसका जुडिशियल रिव्यू करती है। जुडिशियल रिव्यू मतलब वो उस पूरे प्रोविजंस को, उस एक्ट को पढ़ेगी, देखेगी, रिव्यू फिर से देखेगी उसको कि भाई यहाँ पर क्या कोई ऐसा प्रोविजन या फिर वो पूरा का पूरा एक्ट ऐसा तो नहीं है जो कि हमारे राइट्स जो कि आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक दिए गए उसमें से कहीं से इनकंसिस्टेंट तो नहीं है। और फिर यदि वो रिव्यू करने के बाद पाती है कि भाई नहीं, ये सच प्रोविजन या सच लॉ जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो फिर यहाँ पर वो उसको डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायस लगा करके अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए उसे नल एंड वॉइड कर देते हैं। तो दिस इज डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब यहाँ पर कहें कि कोर्ट्स जो है वो कैसे इस चीज को और कैसे इफेक्ट करती है, तो इसमें आपने एक डॉक्ट्राइन और देखी होगी या सुना होगा, डॉक्ट्राइन ऑफ लिफ्टिंग अप ऑफ वेल, वेल VEIL यानी पर्दा, एक पर्दा या फिर नकाब, तो लिफ्टिंग अप मतलब उसको बेनकाब कर दे। तो यहाँ पर यदि आप ध्यान देंगे तो इस चीज को अभी एक रिसेंट 2011 का एक केस है, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस आर श्याम सुंदर, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस आर श्याम सुंदर के केस में ये कहा गया था कि इन ऑर्डर टू एसर्टेन कि कोई एक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से कंसिस्टेंट है कि नहीं है, कोर्ट उसके जो वेल है उसको लिफ्ट करते हुए उस एक्ट के कोर को देख सकती है, आप उसमें उसको नहीं रोक सकते। तो ये 2011 का जो एक केस था इसमें डॉक्ट्राइन ऑफ लिफ्टिंग अप ऑफ वेल से एक एसेट दिया गया जिससे कोर्ट जो है जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। तो इस तरीके से हमने आगे जो है ये छह अथॉरिटीज जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट ना कर दें, इसके लिए क्या कहते हैं एक प्रोविजन बनाया। अब यहां पर जो है क्या हुआ कि कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाया ही जाता है, फिर से सोचे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो एक अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई क्योंकि फिर से एक आर्टिकल ने हमारे लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के एक आर्टिकल ने फिर से हमारे लिए प्रॉब्लम उत्पन्न किया। अब वो कौन सा आर्टिकल है, तो वो है आर्टिकल 31B। अब यहाँ पर सब कुछ सही चलता पर लास्ट में आकर के 31B ने एक और जो है हमारे सामने हर्डल क्रिएट कर दिया। अब 31B जो है वो वैलिडेशन प्रोवाइड करवा देता है ऐसे एक्ट्स और रेगुलेशंस को जो कि बन गए और वो इनकंसिस्टेंट होने के बावजूद भी वैलिड होंगे क्योंकि वो 9th शेड्यूल में, तो एक नया तरीका बना लिया गया। क्या तरीका कि भाई अगर कोई एक्ट जिसको फंडामेंटल राइट को वॉयलेट भी करवाना है और जिंदा भी रखना है तो आप क्या करो, लॉ बनाओ और उसको 9th शेड्यूल में डाल दो क्योंकि 31B की प्रोटेक्शन प्राप्त। तो यहाँ से बहुत सारे नियरली अबाउट आप देखेंगे अगर 284 इन नंबर्स हैं लॉज, 9th शेड्यूल अगर आप खोल के देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ऐसे करके
जो भी लॉ अगर तो एक ये तरीका निकल गया 13 को अवॉइड करने का, 13(2) को, या आप कोई भी कानून बनाओ और 9 शेड्यूल में डाल दो, तो क्या होगा कि 31B की प्रोटेक्शन होगी और वहां पे क्या साफ है कि आप उसका रिव्यू नहीं कर सकते। तो फिर जब इस चीज को समझा गया तो यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट केस हैं इस रिगार्ड में, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा कि 9 शेड्यूल में पहले इस चीज को देखा गया कि अब ये कहीं ना कहीं एक लूप होल निकल रहा है, तो इसको रोकने के लिए जो है दो केस लॉज यहाँ पे इम्पोर्टेंट है जिनको हमको रेफर करना चाहिए। पहला केस है वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि प्रोटेक्शन जो है, प्रोटेक्शन आपको मिलेगी पर सिर्फ वही लॉस की मिलेगी, सिर्फ वही लॉस जो कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में दे दिए गए थे। मतलब जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हो, जो एक्ट 9 शेड्यूल में शामिल थे, सिर्फ उन्हीं का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो, बाकी जो उसके बाद जो अमेंडमेंट्स करके आप जोड़ते जा रहे हो उनका रिव्यू पॉसिबल है। पर इस केस में उतनी ग्रेविटी नहीं रही, ये जजमेंट को उतने इफेक्टिव रूप से यूज नहीं किया गया, पर इसने एक रास्ता खोल दिया। फिर फाइनली जहां से यहां पर हमें देखने को मिलता है वो एक केस था जिसने यहां से एक लूपहोल क्रिएट किया और फाइनली अब जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल हो पाया या इसमें सच में एक एक्सेलरेशन मिला इस फील्ड में, तो वो था आपका IR कोहेलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस। IR कोहेलो, COELHO, IR अगर मेरी प्रोनंसिएशन गलत हो रही होगी तो, IR कोहेलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में यहां पर एक डेट बताई गई और वो डेट है 24th April 1973। अब कई जो जुडिशियल एस्पिरेंट्स होंगे या जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे होंगे तो उनको ये डेट पता होगी, इस तारीख बहुत लीडिंग के एक लीडिंग डेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट कहूंगा क्योंकि इस दिन को केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस जो डिसीजन हुआ है, ठीक है। तो यहां पर सब जानते हैं कि केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में जो है डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया था। तो यहां पर IR कोहेलो के केस में कहा गया कि भाई 24th April 1973 तक जो हो रहा हो ठीक है, पर अब 24th April 1973 के बाद से अब जितने केसेस होंगे उन सारे केसेस का जुडिशियल रिव्यू अब हम जितने भी अमेंडमेंट्स होंगे, जितनी भी आप लॉज जोड़ेंगे उनका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता। तो यहाँ पर ये दो, ऐसा नहीं था कि इससे पहले नहीं था, बस उस केस को उतनी ग्रेविटी नहीं मिली है, उसको उतने मास रूप पे एक्सटेंट नहीं हो पाया, उसका यूज नहीं हो पाया, बट उसने रास्ता खोल दिया था और फिर IR कोहेलो के केस में 24th April 1973 के बाद से इस लूप होल को भी कवर कर दिया गया कि जो अब तक हो रहा हो तो ठीक है पर इसके बाद वाले से हम उसका रिव्यू करेंगे। तो इस तरीके से हमने दूसरी चीज को भी कवर किया। तो जो दूसरी प्रॉब्लम थी, तो इस तरीके से हमने दोनों प्रॉब्लम्स को आर्टिकल 13 ने रेमेडी प्रोवाइड करी कि जो एक थ्रेट जो दो निकल करके आए थे फंडामेंटल राइट्स बना देने के बाद, तो उसको हम इन तरीकों से जो है सॉल्व करते। अब आर्टिकल 13 में अगर मैं आपसे बात करूं तो ये केशवानंद भारती का केस। अब हम चलते अपने सेकेंड टॉपिक की तरफ, ये आर्टिकल 368 से इसका क्या कनेक्शन। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि 13 में हमने क्लॉज 1, 2 और 3 तो कवर कर लिया, और एक जो वो क्लॉज 4 है इसका कनेक्शन आपको समझ में आएगा कि ये क्यों, इसी के कारण हम इसको आर्टिकल 368 से भी कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पर हम एक और चीज भी क्लियर करेंगे कि कैसे जो है अगर एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशरी को डोमिनेट करने की कोशिश करती है, उसकी इंडिपेंडेंस को छीनने की कोशिश करती है, तो कैसे उस चीज को जुडिशरी ने हैंडल किया और कैसे उसका एक सोल्यूशन निकाला। तो यहाँ पर जो है इस क्लॉज 4 को शुरू करने से पहले मुझे आपको पहले एक और कहानी पे लेकर के चलना पड़ेगा, वो है सबसे पहले अब हम चलेंगे 1951। क्या हुआ कि आप सब जानते हैं 26 जनवरी 1950 को संविधान बन तो गया, पर यहाँ पर क्या होता था
कि जब कभी भी आजादी की मांग की जाती थी, इंडियंस जब भी लड़ते थे कि हमें आजादी दो, तो ब्रिटिशर्स सबसे पहला एक कमेंट तो ये कहते थे, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया था कि अब हमको अभी ना कभी जाना तो है, पर वो तब भी इस आंदोलन को, इस रेवोल्यूशन को दबाने के लिए एक लाइन हमेशा बोला करते थे। अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो इसका आपको रेफरेंस मिलेगा। बोलते थे कि हम आपको इंडिपेंडेंस तो दे देंगे, पर आप लगभग 200 साल तक गुलाम हो, क्या आप में वो कैपेबिलिटी है लॉ बनाने की? क्या आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप सरकार चला सको? क्या आप लॉ बना पाओगे? ऐसा करके पूरा सिस्टम ना कोलैप्स हो जाए। तो ये हमेशा से ब्रिटिशर्स एक ताना दिया करते कि क्या आप लॉ बना पाओगे, आपके पास क्या वो पोटेंशियल है। तो ये चीज भी साबित करनी थी। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं कि उसका टेस्ट था ये, क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना देना ये उनको, उनके लिए रिप्लाई था बहुत बड़ा। तो यहाँ पर हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना करके ये चीज तो साबित कर दी। पर अब जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है तो वहां से क्वेश्चंस भी अराइज हो जाते हैं। तो जस्ट एक साल बाद जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने, अब सुप्रीम कोर्ट की जस्ट जस्ट एस्टेब्लिश्ड हुई है, अभी नए नए जजेस आए हैं, और उनके सामने 1951 में एक केस आया, संकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। लिखिए, संकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। और यहाँ पे ये आर्टिकल 13 से रिलेटेड केस था। यहाँ पे कहा गया कि संकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि जो अभी मैंने आपको 13B में लॉ की, 13A में एक लॉ की लंबी चौड़ी डेफिनेशन पढ़ाई, जिसमें मैंने ऑर्डिनेंस भी आएगा, बाय लॉ भी आएगा, रेगुलेशन भी आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट से जस्ट पूछा गया कि क्या यहाँ पर जो पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है, जो अमेंडमेंट करती है, तो पार्लियामेंट जो आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट करती है, क्या वो भी आर्टिकल 13A के अंदर लॉ माना जाएगा? क्या वो भी लॉ के अंदर आता है? अब सुप्रीम कोर्ट के सामने एकदम से जस्ट जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना, जस्ट जस्ट सुप्रीम कोर्ट अभी नई नई रीस्टैब्लिश हुई, और एकदम से ये क्वेश्चन आ गया। और उस समय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाले भी लोग जिंदा थे मैक्सिमम, तो क्योंकि एक ताना ऐसा चल रहा था, और लैक ऑफ नॉलेज के कारण, क्योंकि एक तो उनकी रिस्पेक्ट भी करनी थी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना करके दिया, और एक लैक ऑफ नॉलेज के चक्कर में, क्योंकि अभी उतना सुप्रीम कोर्ट नहीं हुई थी, तो यहाँ पर उन्होंने बोल दिया कि भाई उन्होंने हर चीज तो एक्सप्लेन कर दी, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मन होता लॉ को, अमेंडमेंट को भी लॉ की, इसीलिए क्योंकि वहां पर स्पेसिफिकली नहीं बताया गया है, क्योंकि वहां पर स्पेसिफिकली नहीं बोला गया है, तो पार्लियामेंट जो आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट करती है वो लॉ नहीं आता है, वो लॉ की कैटेगरी में नहीं आता है, और लॉ की कैटेगरी में नहीं आता है मतलब उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है। ये चीज 1951 में क्लियर हो गई। अब फिर से तुरंत सुप्रीम कोर्ट बोली चलो अब एक चीज हमने सॉल्व करी, तो उसके बाद तुरंत जो है एक फिर से इसके सामने ये क्वेश्चन उठा। अब केस था 1965 का, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। अब इस केस 1965 में सज्जन सिंह का केस था राजस्थान बनाम राजस्थान के केस में, फिर से पूछा गया कि क्या पार्लियामेंट के द्वारा जो अमेंडमेंट किया जाता है क्या वो लॉ है कि नहीं। बेसिकली इस क्वेश्चन का रेलिवेंस ये इतना इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अगर हाँ तो जुडिशियल रिव्यू हो पाएगा, मतलब आप उसकी सरकार की तानाशाही को रोक सकेंगे, और नहीं तो फिर सरकार जो करेगी आप कुछ नहीं कह सकते। तो इसीलिए 1965 में इसको फिर से उठाया गया। पर अब सुप्रीम कोर्ट को अपनी भी साख बचानी थी, पहले तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वालों का देखा तो वहां पर इसीलिए छूट गया, और अब तो सुप्रीम कोर्ट की ओन लाइबिलिटी हो गई थी कि 51 में बोल रहे हो नहीं आता है और अब कुछ और बोल रहे हो, तो अब तो खुद का भी सवाल हो गया था। तो यहाँ पर 65 में भी, सज्जन सिंह के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई नहीं आता है लॉ जो है, अमेंडमेंट जो है वो लॉ के अंदर नहीं आता है, जो कि 13A के अंदर बताया, मतलब
अभी भी जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल नहीं, अब सब कुछ सही चल रहा था। देन फिर हमारे एक विजनरी जज जस्टिस सुब्बा राव जो है उनका समय आ गया और उन्होंने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आ गए। और इस तरफ एग्जीक्यूटिव साइड में थी इंदिरा गांधी, वो भी अपने में आयरन लेडी के नाम से। तो अब ये कॉन्फ्लिक्ट को कहीं ना कहीं कोई दिशा तो मिलनी। तो अब जब सुब्बा राव वाली बेंच में फिर से केस लगा 1965 में, अब केस था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, बहुत ही लीडिंग केस है और इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इस केस में जस्टिस सुब्बा राव जी जो थे, क्योंकि वो विजनरी थे और उन्होंने इस चीज की इस क्वेश्चन की ग्रेविटी को समझा कि भविष्य में कहीं कोई ऐसी सरकार आ गई जो अपनी मनमानी करना चाहे तो अमेंडमेंट से कुछ भी कर देगी और आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर पाओगे, दैट मींस जुडिशियरी की तो कोई इंडिपेंडेंस ही नहीं रह जाएगी और जैसा सरकार चाहेगी वैसे ही तो कस्टोडियन होने का मतलब क्या। तो उनके विजन जो था उसको देखते हुए पहली बार उन्होंने लीक से कहते ना वापस जा करके हट करके उन्होंने इस केस में कह दिया कि यहाँ पर लॉ जो है वो मतलब पार्लियामेंट के द्वारा जो अमेंडमेंट आर्टिकल 368 में किया जाता है तो वो जो है लॉ माना जाएगा, मतलब 13A के अंदर आएगा, दैट मींस आप उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकते। अब आपने डायरेक्ट अटैक कर दिया जो अभी तक एग्जीक्यूटिव डोमिनेंट चलते हुए आ रही थी कि हम जो चाहे अमेंडमेंट करेंगे आप रिव्यू नहीं कर सकते हो, आप पहला झटका सुब्बा राव जी ने प्रोवाइड करवा दिया कि भाई लॉ तो आता है। तो अब बड़ी बात थी इसके रिपरकशंस तो होने थे। तो फिर यहां पर सरकार की तरफ से कई प्लीड्स उठा के खुद ही प्रीवियस जो जजेस थे उन्होंने खुद कहा है कि लॉ अमेंडमेंट जो है वो लॉ के अंदर नहीं आता। तो फिर क्या वो जो है उन्होंने गलत बोल दिया और आप सही बोल रहे हैं, क्या उनकी बात नहीं माननी चाहिए। और दूसरी चीज जो उठी कि यहाँ पर जो है जुड़ी अगर उनको करना ही होता फिर से जो बेस था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वालों ने हर चीज स्पेसिफाई करी तो वहां लिख देते। तो यहाँ पर सुब्बा राव जी ने इसका जो जवाब दिया जो पहला क्वेश्चन था, तो यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग वो इसी केस में दी गई। सुब्बा राव जी ने कहा कि जहां तक तुम्हारा ये सवाल है कि जो पहले के जजेस थे वो भी सुप्रीम कोर्ट जज थे और आप नया क्यों दे रहे हो, तो उन्होंने बोला तब से वहां तक जो चल रहा था वो वैसा, अब आगे से ऐसा होगा। प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग मतलब हम पुराने में कुछ इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसके बाद से अब जो चीज होगी तो उस पर ये वाली बात लागू होगी, मतलब इस केस के जजमेंट के बाद से जो है जो लॉ अमेंडमेंट आप करोगे उसका जुडिशियल रिव्यू होगा। अब यहां पर जो है यहां पर जो है क्या कहते हैं इसके बाद नेक्स्ट चीज जो आई कि यहां पर जो है प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग तो आ गई और सुब्बा राव ने बोला कि अब आप हमें लॉ सिखा रहे हो। तो यहाँ पर सुब्बा राव ने एक जो है क्या कहते हैं नेक्स्ट एक बहुत बड़ी चीज बोल दी। उन्होंने बोला आप अमेंडमेंट तो छोड़ो, आप तो अमेंडमेंट ही नहीं कर सकते, अमेंडमेंट लॉ के अंदर आता है कि नहीं वो तो बाद में देखेंगे, आप अमेंडमेंट ही नहीं कर सकते। उन्होंने बोले अब ये क्या नई बात है। तो यहाँ पर उन्होंने आर्टिकल 368 पढ़ा, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जब 368 कर रही थी तो वहां पर उन्होंने प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड यूज किया। उन्होंने बोला भाई 368 सिर्फ प्रोसीजर बताता है, वो आपको पावर कहां देता है, और जब तक आपके पास पावर नहीं होगी तो आप अमेंडमेंट कैसे करोगे, और जब तक आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते तो फिर लॉ की तो बाद में बात देखेंगे। अब इसके जो है यहां से ये चीज क्लियर हो, तो फिर अब एग्जीक्यूटिव को कुछ ना कुछ तो करना था। तो फिर हुआ 24th अमेंडमेंट, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 में हुआ, और ये अमेंडमेंट सिर्फ और सिर्फ गोलकनाथ के डिसीजन को ओवररूल करने के लिए किया गया। और ये अमेंडमेंट दो आर्टिकल्स में हुआ, आर्टिकल 13 में भी और 368 में भी। 13 का अब क्लॉज 4 यदि आप देखेंगे तो देखिए अब आपको उसकी रेलिवेंसी समझ में आएगी कि क्यों इसको हमने आज के टॉपिक में इसको भी इंक्लूड किया,
तो देखिए यहाँ पर 13 के क्लॉज 4 में अब लिखा होगा, ये 24th अमेंडमेंट से जुड़ा है और लिखा है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। तो उन्होंने बोला कि आप कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ते हो, एग्जीक्यूटिव इंदिरा गांधी ने बोला कि आप कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ते हो, लाइए हम आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख देते हैं कि अमेंडमेंट नहीं आएगा, अब आप इसका इंटरप्रिटेशन कीजिए। और क्योंकि गोलकनाथ के केस में ये बोल दिया गया था कि आपके पास पावर नहीं है, तो आप जाइए 368 में और इंदिरा गांधी का देखिए कि उनने वहां पर पावर वर्ड भी जोड़ दिया कि पावर एंड प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस हिसाब से जो है यहाँ पर एक जो दो क्वेश्चन उठे थे उन दोनों चीज को इंदिरा गांधी ने सोचा कि मैंने सॉल्व कर दिया। अब क्या हुआ, यहाँ पर जो है इससे लगा कि अब एग्जीक्यूटिव की जीत हो गई और इसका रिव्यू नहीं होगा, 368 में पावर वर्ड जो फॉर्मेलिटी थी वो भी हो गई। पर ये डिबेट खत्म होने वाला नहीं था क्योंकि कोई सबकी इन दोनों की इंडिपेंडेंस और एक की डोमिनेंस का सवाल था, तो जुडिशरी तो अपने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रही थी। तो यहाँ पर अब जो है फिर से जो लैंडमार्क केस आया वो था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का। और जब ये वाला केस आया तो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में काफी सारे क्वेश्चंस का जो अभी तक आप लोग सुन रहे होंगे इनका जवाब देना जरूरी था। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया वो ये था कि भाई यहाँ पर पावर वर्ड जोड़ने की जरूरत नहीं थी। सबसे पहली चीज जो बोली गई कि आप पावर वर्ड नहीं भी जोड़ते, यहाँ पे गोलकनाथ खुद ही जुडिशरी ने अपने गोलकनाथ के केस को ओवर रूल कर दिया। वहां पे आप देखेंगे तो उन्होंने बोले अगर आप वहां पावर वर्ड यूज नहीं भी करते तो इट इज द इनहेरेंट पावर ऑफ द या कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ द पार्लियामेंट कि वो जो है अमेंडमेंट कर सकती है। यहाँ पर जो है पावर वर्ड ना भी हो तो इस अमेंडमेंट से पहले भी पार्लियामेंट हैज द पावर कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। चलो ये तो हो गया, पर जो मेन क्वेश्चन था कि क्या लॉ है कि नहीं, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, मतलब गोलकनाथ वाले व्यू को पलट दिया और बोला यहां पर अमेंडमेंट जो किया जाता है जो पार्लियामेंट के द्वारा वो लॉ की कैटेगरी के अंदर नहीं आता है। तो अब क्या होगा, फिर ने बोले ऐसे तो हम अगर पूरी पावर इनको दे देंगे तो फिर से वही जो सुब्बा राव वाली बात सही हो जाएगी। तो यहां पर उन्होंने बोला कि आप जो अमेंड करना है आप सब कर दो, आप चाहो तो प्रीएम्बल भी अमेंड कर दो, पर आप कोई भी ऐसी चीज अमेंड नहीं कर सकते हो जो कि बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करती हो। अब क्या हो गया कि बेसिक स्ट्रक्चर नाम की चीज हमने अपने पास बचा ली, सब कुछ दे दिया एग्जीक्यूटिव को, पर बोला कि आप जो आपको अमेंड करना है आप कीजिए पर आप बेसिक स्ट्रक्चर अमेंड नहीं कर सकते। तो अब इंदिरा गांधी को पहले लग रहा था कि जहां मेरी बहुत ज्यादा जीत हो गई है, तो बोले यार ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो उनने पूछा कि क्या है बेसिक स्ट्रक्चर से आप क्या कहते, तो उनने बोले ये कोई ऐसी चीज नहीं बताई जाएगी, ये समय समय पर हम आपको बताते जाएंगे। तो अब इंदिरा गांधी ने बोली ये तो कहीं ना कहीं फिर से दिक्कत हो रही है, अब क्या किया जाए। तो फिर इसका रेपरकशन हुआ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। उनने लगभग पूरा कॉन्स्टिट्यूशन फिर से लिख दिया ये जानने के लिए कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, और प्रीएम्बल को भी छोड़ा, प्रीएम्बल भी अमेंड कर दिया। अमेंड हुआ था उस टाइम, यहां पर जो है हर चीज उन्होंने जोड़ दी, सोचा कि ये है। और फिर तब भी उनको लग रहा था कि भाई मैं अभी जीत में आइसिंग ऑन द केक कर दूं, तो अब आप 368 में जाइए और उसका क्लॉज 4 और 5 जरूर पढ़िएगा, तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से इंदिरा गांधी डोमिनेट करना चाहती थी जुडिशरी को। आप उसमें देखिएगा 368 के 4 और 5 में, वहां पे आपको एक बड़ी अच्छी बात समझ में आएगी। वहां पे लिखा होगा, देखिए ये भी 42nd अमेंडमेंट से ही जुड़ा है, लिखा है नो अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3, दैट मीन जुडिशियल रिव्यू को रोकने के लिए, मेड और परपोर्टिंग टू हैव बीन मेड अंडर दिस आर्टिकल वेदर बिफोर और कमेंसमेंट ऑफ द सेक्शन 55 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड। इंदिरा गांधी जी ने कहा कि भाई कोई और फिर से केस में कोई नया जजमेंट ना दे दे, तो उन्होंने कोर्ट से जाना ही रोक दिया। देखिए लास्ट में लिखा होगा शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन कोर्ट, कि कोर्ट तक आप जाओगे नहीं। तो उन्होंने ये सोचा कि भाई कोर्ट में जाएंगे ही नहीं तो कोई नई डॉक्ट्राइन से रिलेटेड आएगी नहीं, तो मेरी जीत सर्टेन हो जाएगी,
और एकदम लास्ट जो कहते हैं ना लेल इन द कॉफिन डालने के लिए, उनने 5 में लिख दिया देखिए कि फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट, डाउट हटाने के लिए कि भाई आप कोई दूसरा इंटरप्रिटेशन ना कर दो, इट इज हियर बाय डिक्लेयर्ड दैट देयर शैल बी नो लिमिटेशन वॉट एवर ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन पावर ऑफ द पार्लियामेंट, कि हम जैसा चाहे अमेंड कर सकते हैं, ऐड करके, वेरी करके या रिपील कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब लगा कि भाई अब एग्जीक्यूटिव की जीत हो गई, तो फिर से जुडिशरी को कुछ ना कुछ तो रिप्लाई करना ही था। तो फिर फाइनली जो है मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया, और यहाँ पर जो ये क्लॉज 4 और 5 जो जोड़ दिया गया था 368 के अंदर, तो उसमें कहा गया कि भाई इसका क्या करना है, क्या ये वैलिड है कि नहीं है। तो फिर कोर्ट ने बोला यही तो बेसिक स्ट्रक्चर है, बाकी सब ठीक था, आपने पूरा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया, प्रीएम्बल तक अमेंड कर दिया, ठीक है, पर ये जो दो चीज है ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करती हैं, तो मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इन दोनों को नल एंड वॉइड कर दिया। समझ में आया? तो यहाँ पर अब इसका कोई इफेक्ट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी आपको देखने को मिल जाएगा, पर ये अब एक्लिप्स में चल रहे हैं क्योंकि इनका जो है कोई बेसिक जो है मतलब ये अनफोर्सेबल है, जुडिशरी उसको नहीं देखता है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर इस चीज को सॉल्व किया गया। तो लॉ भले ही जो अमेंडमेंट है वो भले ही लॉ के अंदर नहीं आता हो, बट आप कोई अमेंडमेंट करोगे और यदि वो बेसिक स्ट्रक्चर को टच करेगा तो फिर उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो इसी के साथ जो अपना ये टॉपिक था, अच्छा नहीं एक चीज और छूट रही है कि क्या रेट्रोस्पेक्टिव आर्टिकल 13 का कैसा ऑपरेशन आप कहेंगे, प्रोस्पेक्टिव है कि रेट्रोस्पेक्टिव है? तो कई बार हम लॉ इन्फोर्स करते तो सोचते यार पीछे का भी तो इफेक्ट है। तो यहाँ पर एक केस है केशवा माधव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का, और इसमें केशवा माधव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस था, और इसमें कहा गया था कि इसका कोई भी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 13 का प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है। तो इसी के साथ हमारा जो आर्टिकल 13 है वो कम्प्लीट हो जाता है। आई होप आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला होगा। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया भैया, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला, ऐसी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिला, मैंने इतना तो पढ़ा है लेकिन इंदिरा गांधी ने और आपने इतना सारा डिटेल बताया तो वो चीज नहीं मिली। तो काफी लोग अभी भी जुड़े हैं हम लोगों के साथ, तो मुझे लगता है विजय वर्धन सिंह कुछ पूछना चाहते थे आपसे, तो वो पूछे अनम्यूट कर रहा हूँ। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो अपना अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। विजय वर्धन जी, आई थिंक शायद पता नहीं अभी अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं वो। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट सेशन अगर कोई क्वेश्चन का होता है वो भी रख सकते हैं, या फिर जो है जो आपका ग्रुप है व्हाट्सएप वाला उसमें मैं उसका रिप्लाई दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर कोई किसी को कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप ग्रुप हमने स्टार्ट किया है तो आप उसमें भी पूछ सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को अभी कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज अपना अनम्यूट करें और अपने आप को क्वेश्चन पूछें। मुझे लग नहीं रहा है कोई क्वेश्चन है, आपने इतना सारा अच्छा अच्छा बताया कि इतने सारे सब चीज क्लियर कर दिए आपने। तो बिल्कुल मैं जो है उसका रिप्लाई कर दूंगा वही ग्रुप में, अगर कोई अगर मेरे को आप पर्सनल भी भेज सकते हैं तो मैं उसमें भी आपको क्वेरी ठीक कर दूंगा। हाँ बिल्कुल, तो थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत अच्छा रहा आज का लेक्चर आपका, थैंक यू। ओके, मीटिंग एंड करते हैं।